इस रेड कलर का बटन प्रेस करके सब्सक्राइब करें बिराजनाथ चैनल को एंड बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिराजनाथ, अपने चैनल के साथ। चलिए शुरू करते हैं मुद्दे के बाद। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ NDA जो कि नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड NA नेवल एकेडमी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। तो सारा डिटेल्स एक एक करके पूरा बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखना, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है। तो आपको 12th पास होना ज़रूरी है या फिर 12th पास मतलब 12th में अपीयरिंग कर रहे हो, ठीक है। ठीक है, तो सामने आपका 12th एग्ज़ाम है, तो 12th अपीयरिंग या 12th पास होना ज़रूरी है, ठीक है। जो लोग 11th में है तो वो लोग इस मतलब NDA जॉब या NA जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो 12th पास होना ज़रूरी है या 12th अपीयरिंग होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो तो एनी स्ट्रीम मतलब साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज़, मतलब आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज़ तो सेम ही है, तो एनी स्ट्रीम कोई भी एक स्ट्रीम है तो चलेगा, ठीक है। तो अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, ठीक है। अगर आप IAF एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हो तो आपका मतलब साइंस बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, दैट इज़ साइंस से भी मतलब फिजिक्स एंड मैथ होना ज़रूरी है, केमिस्ट्री से नहीं चलेगा। मतलब आपके मान लो मैथ एंड केमिस्ट्री है तो नहीं चलेगा, फिजिक्स एंड मैथ होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अगर आप मतलब नेवी एंड एयरफोर्स के लिए जाना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं एज लिमिट, ठीक है। तो आपका एज लिमिट होना चाहिए दोस्तों 15.5 मतलब 15.5 ईयर्स से लेके 18.5 ईयर्स के बीच में आपका एज होना ज़रूरी है, ठीक है। और अनमेरिट होना ज़रूरी है, ठीक है। तो अनमेरिट बस इसके बीच में आपका एज होना ज़रूरी है तभी आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यह तो पॉइंट मैंने पहले ही बता दिया, अगर आप 12th अपीयरिंग कर रहे हो, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोज हु आर फ्रॉम मतलब इंडिया से स्टूडेंट, भूटान, नेपाल से लोग अप्लाई कर सकते हैं NDA के लिए, NDA एंड NA के लिए, एंड तिब्बतीन भी अप्लाई कर सकते हैं जो लोग 1962 से पहले इंडिया में आ गए थे, ठीक है, और इंडिया में परमानेंट सेटलमेंट है उनका, तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये NDA जो है UPSC कंडक्ट कराता है, ठीक है, और साल में दो बार इसका वैकेंसी निकलता है, एक बार जनवरी में, एक बार जुलाई में, ठीक है। तो मतलब जनवरी से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाता है, मतलब नवंबर दिसंबर में आता है नोटिफिकेशन, और ये आता है मई जून में आता है, ठीक है, जनवरी वाला, ठीक है। तो जनवरी में और जुलाई में मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो नोटिफिकेशन थोड़ा पहले आता है नवंबर दिसंबर में, और दूसरा जो होता है NDA 2 होता है वो होता है मई जून में होता है, ठीक है। तो दो एग्ज़ाम होते हैं NDA 1 एंड NDA 2 मतलब, ठीक है। उसके बाद जो वैकेंसी होता है दोस्तों अप्रॉक्सीमेटली 400 के करीब होता है, तो लास्ट टाइम जो आया था, ठीक है, तो वो आया था 392 मतलब 392 के करीब वैकेंसी आया था, जिसमें आर्मी में 208 थे वैकेंसी, उसके बाद नेवी में 42 थे, ठीक है, और IAF में थे 292, ठीक है, और 50 थे नेवल एकेडमी जो कैडेट एंट्री स्कीम होता है, ठीक है। तो नेवल नेवी में मतलब नेवी में टोटल था मतलब 92 के करीब, ठीक है। तो ये हो गया मतलब अप्रोक्सीमेटली 400 के करीब आता है, ठीक है, और साल में दो एग्ज़ाम तो होते हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ टू अप्लाई, ठीक है, तो ये तो दोस्तों जैसे मैंने पहले ही बताया था ये UPSC कॉन्टैक्ट कराता है, तो ठीक है, तो इसके लिए आप UPSC online.nic.in इस वेबसाइट पे जाना होता है और अप्लाई कर देना होता है, ठीक है। आपका जो भी सर्टिफिकेट है, मार्क्स वगैरह है, फ़ोटो, सिग्नेचर, जो जो चाहिए वो अपलोड कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मतलब आप अगर शॉर्टलिस्टेड होते हो, ठीक है, तो आपका एडमिट कार्ड आ जाता है, ठीक है। तो मार्क्स का उतना टेंशन नहीं होता, ठीक है, तो अप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर आपका कहाँ पड़ सकता है, ठीक है, तो एवरी हर स्टेट में एग्ज़ाम सेंटर पड़ता है, जैसे त्रिपुरा में अगरतला पड़ता है, वेस्ट बंगाल में कोलकाता पड़ता है, ठीक है। तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग मतलब कैपिटल्स में पड़ता है, और कोई कोई स्टेट जो बड़ा है, ठीक है, तो उसमें दो दो तीन तीन सेंटर भी पड़ते हैं, ठीक है। तो लास्ट टाइम जो श्रीनगर में पड़ा था, जम्मू में भी पड़ा था, ठीक है, तो दो तीन जगह में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग मतलब एयरफोर्स पायलट के लिए जाना चाहते हो, ठीक है, तो वो मतलब CPSS एंड PAVT एग्ज़ाम देना होता है, ठीक है, तो वो उसमें पास होना ज़रूरी है। बेसिकली इसमें होता क्या है, उसमें मतलब एक इंस्ट्रूमेंट या गेमिंग को मतलब सेटअप के सामने आपको बैठा देंगे और आपको बोलेंगे इधर से जाओ इधर से जाओ, तो टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद 6 मतलब इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी लिखना होता है, जैसे ऑल्टीमीटर जो
उसके बाद होराइजन, ठीक है, उसके बाद एयर स्पीड इंडिकेटर, जैसे एयरक्राफ्ट में एयर स्पीड कैसे मापा जाता है, तो ऐसे ऐसे करके 6 टॉपिक्स दिए जाते हैं, ठीक है, तो उसमें बारे में लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम जो फीस था दोस्तों वो 100 था, ठीक है। उसके बाद तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा, ठीक है, तो आप पहले अप्लाई कर दिए UPSCOnline.NET के थ्रू, उसके बाद शॉर्टलिस्टेड हो गए तो एडमिट कार्ड आपका आ गया, ठीक है। तो सबसे पहले आपका होता है एग्ज़ाम, ठीक है, उसके बाद एग्ज़ाम में आप अगर क्वालिफाई कर देते हो, ठीक है, उसके बाद होता है SSP सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड बोर्ड प्रोसेस, 5 दिन का सिलेक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है, तो उसके बाद होता है, ठीक है, तो आगे मैं बताता हूँ, ठीक है। तो NDA जो एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है, तो मैथ से आएंगे 300 मार्क, जो होगा 2.5 आवर्स का, ठीक है। उसके बाद जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें 600 मार्क्स का आता है, और उसमें होता है दोस्तों 2.5 आवर्स के टाइम होता है। जैसे जनरल एबिलिटी टेस्ट में इंग्लिश से आएगा, जनरल नॉलेज से आएगा, जनरल साइंस से आएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री से आएगा, ठीक है, तो ऐसे ऐसे करके आता है, रीजनिंग से भी थोड़ा बहुत आ जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका होगा SSP, जो कि 5 डेज सिलेक्शन प्रोसेस होता है। बेसिकली पहले दिन होगा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसमें लोग मान लो 200 लोग गए हैं, ठीक है, तो स्क्रीनिंग में से 200 में से मान लो करीब करीब 50, 60 या 70 के करीब स्क्रीनिंग हो जाते हैं, तो ये 70 जन लोग मतलब स्टूडेंट अगले 5 दिन उधर रहेंगे, ठीक है, और रह के और भी इंटरव्यू होता है, साइकोलॉजी टेस्ट होता है, GTA होता है, ठीक है, तो अलग अलग मतलब बोर्ड से उधर बुलाया जाएगा। पहले तो आपको एग्ज़ाम देना होगा, एग्ज़ाम देने के क्लियर होने के बाद जैसे SSB इलाहाबाद हो गया, ठीक है, तो इलाहाबाद उधर बोलेंगे या फिर बेंगलुरु आने के लिए बोलेंगे, ठीक है, तो अलग अलग मतलब 4-5-6, ठीक है, SSB सिलेक्शन बोर्ड, तो बेसिकली NDA के लिए, तो उधर आपको बुलाया जाएगा, ठीक है। तो उधर जाके अगर आप सिलेक्ट रिकमेंडेड होते हो, ठीक है, तो उसके बाद आपको मेडिकल में लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट होगा, फिर आपका आएगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। तो अगर आप मेरिट इन हो जाते हो, ठीक है, तो आपको मिल गया चांस एंड आपको ज्वाइन करना पड़ता है NDA, मतलब नेशनल डिफेंस एकेडमी एंड नेवल एकेडमी, जो पुणे में है, खड़कवासला में है, ठीक है, तो उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद उसमें जाने के पहले आपको कुछ फीस वगैरह है उसको पे करना पड़ता है, समथिंग लाइक 47,000, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 47,000 आपको पे करना होता है, जो कि नॉन रिफंडेबल है, जो आपको ट्रेनिंग करने के बाद आपको मिल जाता है, ठीक है। और उधर जाके आपका 3 साल का ट्रेनिंग होगा NDA में, ठीक है, जिसमें आपको अगर आप 8 से हो, ठीक है, 8 से या 9 से हो, तो आपको BA में मतलब 3 साल में आपको BA का डिग्री दिया जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही साथ ट्रेनिंग भी होगा, मिलिट्री ट्रेनिंग होगा। अगर आप साइंस से हो, ठीक है, तो आप BSc मिलेगा। अगर आप आर्मी में जाना चाहते हो, अगर आप एयरफोर्स या नेवी में जाना चाहते हो, तो आपका साइंस बैकग्राउंड तो है ही, तो उसमें आपको BTech का डिग्री दिया जाता है, ठीक है। तो आपका होगा 3 साल का उधर ट्रेनिंग, जहाँ पे आपको अप्रोक्सीमेटली 21K के करीब स्टाइफन मिलता है, ठीक है। तो इन हैंड कितना मिलता है वो मेरे को भी नहीं पता, उधर जो मतलब गए हैं बंदे उनको ही पूछना पड़ता है, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली 21K मिलता है, मतलब स्टाइफन के करीब, ठीक है। तो आप जब जाओगे, उसके बाद आपका होता है, अगर आप मतलब आर्मी में आर्मी के लिए जाना चाहते हो, तो 3 साल के ट्रेनिंग के बाद 1 साल का ट्रेनिंग IMA देहरादून में होता है, या OTA चेन्नई में होता है, ठीक है। तो उधर भी आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है, जहाँ पे आपको 5,600 रुपीज़ मिलता है, ठीक है, तो मतलब आर्मी के लिए। उसके बाद अगर एयरफोर्स में जाते हो, ठीक है, एयरफोर्स एकेडमी जो हैदराबाद धुंदिकल में है, ठीक है, उधर भी जाते हो आप, तो आपका 1 साल का ट्रेनिंग होता है। अगर आप नेवी में जाना चाहते हो, तो इंडियन नेवल एकेडमी जो है उधर आपका ट्रेनिंग होगा, ठीक है, तो उधर भी आपको इतना ही मतलब स्टाइफन के करीब मिलता है। उसके बाद आपका कमीशन हो जाता है, मतलब 1 साल के बाद, जो कि उस टाइम आपका सैलरी होता है 80K के करीब सैलरी होता है, ठीक है। और जो लोग मतलब फ्लाइंग मतलब पायलट के लिए जाना चाहते हो, उसको मतलब अलग से अलाउंस मिलता है, वो होता है 13,500 के करीब, ठीक है। तो शायद मुझे लगता है सारा कुछ मैंने डिटेल्स इस वीडियो में बता दिया है, ठीक है। तो कोई अगर पॉइंट मिस हो जाए तो कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, ठीक है। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो पे दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।